हाई गईस द कॉमन क्वेश्चन एज ऑफ नाउ कमिंग अप सर मेरा ट्वेल्थ बोर्ड है हाउ टू मैनेज टाइम आई वॉन्ट टू क्रैक एम एच लॉस एटी फाइव ईयर्स एग्जामिनेशन एलॉग विथ माई ट्वेल्थ बोर्ड तो मुझे ट्वेल्थ बोर्ड में भी अच्छा करना है और एंट्रेंस में भी अच्छा स्कोर चाहिए हो बट ऑब्वियस इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जी एल सी एंड आई एस कॉलेजेस और एनी ऑफ द अदर लॉ एंट्रेंस यू आर ऑल्सो राइटिंग फॉर लाइक स्लैट स्लैट और दाम बी एच यू लॉ सो प्रिपरेशन वाइज मोरल लेस इट इज सिमिलर एक्सेप्ट द क्लैट क्लैट का थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रिपरेशन अपने को करनी रहेगी ओके सो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ उस वाले वीडियो में सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दिस वीडियो कोई और भी डाउट लग रहा है तो कमेंट में पोस्ट करके पूछ लेना मुझे एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक एनी अदर काइंड ऑफ अ वीडियो वो भी टॉपिक मुझे कमेंट में दे दो सो आई डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन द सेम ओके सो बिफोर आई प्रोसीड एट मेनूअर वी हैव लॉन्च बैचेस ओके सो क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो रही है मार्च एंड से एंड uh, अगर आपका बोर्ड का प्रिपरेशन करके हो गया तो आप ऑन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो टू ज्वाइन द बचेज यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर एट या तो फिर फ्री काउंसलिंग चाहिए काउंसलिंग के लिए तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस उसमें डिटेल्स आपकी फिल कर दो आर टीम विल कॉल यू बैक एंड गिव द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू दी बैचेस ओके एंड दूसरा इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी बुक्स मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ यू कैन चेकआउट दैट एज वेल ओके सो लेट्स टॉक वन बाई वन अबाउट ऑल दी पैरामीटर्स अभी क्या चल रहा है आपका फ़ैब बंद चल रहा है है ना फैब ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया यार आज कितनी डेट है आज ट्वेंटी फोर्थ है तो ये तो ऑलमोस्ट गया है ना अगर आज ये वीडियो देख रहे हो आप या तो थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो फ़ैब आपके लिस्ट में शायद से नहीं होना चाहिए अभी मार्च अगर ट्वेल्थ बोर्ड आपका जो मार्च एंड में आ, लग रहा है कि फिनिश होगा या तो फिर अप्रैल में फिनिश होगा तो सो सो मार्च इज़ द आइडियल टाइम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ठीक है अभी डेट्स वगैरह आई है नहीं आई है सारे स्टेट का वेरी करता है तो आप एक बार आप वो चेक कर लेना बट मैक्सिमम मार्च फर्स्ट वीक तक आपका ट्वेल्थ का बोर्ड ख़त्म हो जाना चाहिए बट स्टिल अभी डेट को लेके कुछ क्लैरिटी है नहीं है वो मुझे कमेंट में लिख के बता दो तो मैं इस पर भी एक वर्कआउट करके वीडियो बना दूंगा प्लानिंग को लेकर तो अभी आप या बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आगे जाए या तो फिर पहले हो या और पोस्टपोन्ड हो कोई टेंशन नहीं है हमने पूरे साल तो ट्वेल्थ बोर्ड पढ़ा हुआ है तो इतना प्रेशर क्यों लेना है ना बोर्ड ही एग्ज़ाम है यार मतलब एक इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्ज़ाम तो जितनी प्रिपरेशन की है आपने उसमें और एड ऑन कर देना है सिंपल एज़ इट इज़ ओके सो तो सिंपल है बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को तो ये प्रिपरेशन को लेकर के आपका जो सी का एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ पे होने वाला है ये एंड में अप्रैल एंड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर लेट हुआ तो मे जाएगा तो बेसिकली दो तीन महीने का टाइम है आपके पास इन एडिशन टू दिस अगर और लेट हुआ तो वो बोनस डेज होगा बट डाउटफुल है कि इस साल सी लेट होगा अनलाइक द अदर ईयर तो अदर ईयर में मतलब टू मतलब लास्ट ईयर हुआ था लेट उसके पहले वाले कोविड चल रहा था तो लेट हुआ था अनडाउटबली बट अभी सिचुएशन नॉर्मल है तो होपफुली आपका ये अप्रैल का डेडलाइन होना चाहिए या तो फिर मैक्सिमम में जाएगा इससे लेट तो नहीं होगा आपका ओके okay, तो अभी प्रिपरेशन को टाइम को कैसे बैलेंस करें यू नीड टू अंडरस्टैंड अपने पास जो सिलेबस है वो कौन कौन सा सिलेबस है इंग्लिश है लॉजिक है मैथ्स है लीगल है एंड जी देखो इंग्लिश अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके ट्वेल्थ बोर्ड में भी इंग्लिश है तो वहाँ पे भी एक एड ऑन होगा ग्रामर से लेके पैसे ले कर पैसेज सॉल्विंग से लेकर के वो कैप को लेकर के तो ये एड ऑन तो वहाँ पर भी होने वाला है तो यहाँ तो इसको तो आप डेली बेसिस पर पढ़ो ही और जो मैथ्स है देखो फाइव इयर्स पे मैथ्स टेन मार्क्स का आता है अरिथमेटिक ही पूरा भर भर के आएगा टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क परसेंटेज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज रेशो ये आपका अरिथमेटिक हो गया तो इस पर ध्यान दो वो आपको आपके साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो या तो कॉमर्स में भी हो तो आपको ऑन हेल्प तो दैट विल बी काइंड ऑफ ऑन फॉर यू दोनों की प्रिपरेशन हो जाए अलग से जो टॉपिक है वो है लॉजिक जीके एंड लीगल तो आपको दो काम डे वन से करना है पहला काम ये करना है कि जीके को लेकर के करंट अफेयर्स आपका एग्ज़ाम मई मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल या तो मई में, में होगा तो अप्रैल 2020 थाउजेंड ट्वेंटी वन से पूरा डेटा रीड करना चालू कर दो आपके मेनूवर के पोर्टल पे वीडियोज़ है, हैंड आउट्स है उस उस वहाँ से करंट अफेयर्स करना चालू कर दो एंड हिस्ट्री के वीडियोज़ है हिस्ट्री के हैंड आउट्स हैं वो करना चालू कर दो ठीक है ये काम आपको करना है जी के को लेकर के बिकॉज जी के इट इज़ लाइक अ सी कभी ख़त्म नहीं होगा पूरा पढ़ के मेरा होगा या कभी नहीं होगा जी के में और लास्ट में मैं जी के नहीं करवा पाएंगे अपन मतलब आपको बता देंगे क्या क्या करना है बट इट इज़ लाइक कि अगर आप स्कोर मैक्सीमाइज करना है तो जी के को डे वन से चालू करो इंग्लिश में न्यूज़ पेपर रीडिंग सो इंडियन एक्सप्रेस रीड करो या द हिंदू रीड करो है ना बट न्यूज़ पेपर रीडिंग से आपका इंग्लिश एंड रीडिंग स्पीड बढ़ेगी जो आपके अदर एरिया लीगल में भी काम आएगा पजल वाले एरिया लॉजिक में भी काम आएगा स्पीड चाहिए अपने को बिकॉज सी इट इज द टाइम काइंड ऑफ एग्ज़ाम जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो डिफिकल्ट हो जाएगा इट so सोसाइटी को मैं इसलिए टाइम मैनेजमेंट वाला एग्जाम बोलता हूँ ओके उसके बाद आता है आपका लॉजिक लॉजिक आपका लास्ट में लीगल आपका लास्ट में और आराम से हो जाएगा तो ये दोनों पे प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैथ्स में भी आपके कुछ टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं तो लॉजिक और लीगल हम लास्ट में कर सकते हैं बट इंग्लिश जी के वी कैन नॉट डू इट और मैथ्स को लेकर के आपको ईजी वाले वीडियोज देखना चालू कर दो, दो जो है आप ज्वाइन क्रैश कोर्स का प्रोग्राम तो आज आप जो आ, आपका ऑल दो बैच मार्च एंड से चालू हो रहा है बट द डे यू आर ज्वाइनिंग टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ योर टेस्ट सीरीज ई बुक्स बुक्स जो भी आपने लिया हुआ है और वीडियो देखना चालू कर दो उसके लिए डिले वेट मत करो कि मैच चालूगे तो आराम से वीडियो देखूंगा फिर पढ़ूंगा सर बताएंगे मैम बताएंगे तो मैं फॉलो करूंगा वो मत करो ठीक है अब तीसरा जो पार्ट है वो है टाइम को मैनेज कैसे करें यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके पास एक वीकडे है और एक वीकेंड है मंडे टू फ्राइडे अपना वीकडे हो गया एंड वीकेंड आपका हो गया सैटरडे एंड संडे ठीक है ना आप डिसाइड करो ये चीज़ और आप ये चीज़ को समझो कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम दे पाओगे आफ्टरनून में या इवनिंग में ठीक है वीकेंड में ऑब्वियसली अपने को ज़्यादा टाइम देना ही है मंडे टू तो फ्राइडे आप ट्वेल्थ बोर्ड रख लो आपका प्रिपरेशन को लेकर के बट आपको वीकेंड में तो देना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए टाइम अब यहाँ पर वीकडे में आप कौन से टॉपिक कर सकते हो जैसे मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बता दिया आपको जीके बता दिया आपको ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है ये एंडलेस टॉपिक है और मैथ्स के वीडियो जो टॉपिक आपको लग रहा है वो देख लिया आपने है ना तो इंग्लिश के भी इनफैक्ट सारे वीडियोस आपके पोर्टल से देख के ख़त्म करो आपको सारी ट्रिक्स समझ में आ जाएगी तो ये वाले टॉपिक हम कर सकते हैं ये वीकडे में और वीकेंड आपका चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली मैथ्स की प्रैक्टिस बेसिक वाली हो गई और जीके की जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है उसको गो थ्रू किया आपने मतलब ये चीज़ पे वर्कआउट कर सकते हो एंड इफ़ यू हैव डन विथ योर ट्वेल्थ बोर्ड तो वीकेंड आपका प्रैक्टिस के लिए लगा दो सैटरडे संडे और टेस्ट लिखने पर यह मेरा एडवाइस रहेगा आपको तो मैनेज टाइम तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा वीकडे और वीकेंड में डिवाइड करो और मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में आपके स्लॉट uh, को डिफाइन करो ये टाइम मैं फ्री हूँ तो ये टाइम मैं डिवोट कर सकता हूँ इसके लिए तो ये आप बेटर पर्सन हो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए नॉट मी बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए सो एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइस टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिग डील सो टाइम मैनेज करना आ गया तो एंट्रेंस आप वैसे भी फोड़ दोगे गए में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आपको एनी anyway वे करने ही करने हैं और टू एंड अप विद द जे मुंबई आई पुणे को लेकर वन 20 प्लस का स्कोर लगेगा अपने को तो आप समझ लो कि कितनी मेहनत करनी है सी में 25,000 फ़ाइव थाउजेंड अप्रोसीट इज़ द कॉम्पिटिशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एप्लीकेंट राइट दिस एग्जाम फिल द फॉर्म सो कंप्लीट एनालिसिस के जो जितने भी सी टी हुए उसकी एनालिसिस के वीडियोज़ मेरे देख लो पॉडकास्ट टॉपर्स के पॉडकास्ट एम एच लॉ सी पॉडकास्ट और द टॉपर्स वीडियो बाई मेन्यू एजुकेशन यूट्यूब पर डालोगे तो आ जाएगा उनके वीडियोज़ देखो मोटिवेशन चाहिए ना अपने को अभी कम टाइम बचा हुआ है तो डी मोटिवेशन से दूर रहो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और दोनों एग्जाम्स को अपने को बैलेंस करना है वी हैव नो ऑप्शन एंड इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइनर्स प्रिपरेशन को लेकर क्लासरूम कोचिंग बोरीवली इफ एम मुंबई बेस्ड तो बोरीवली दादर वसई लाइव क्लास को लेके सो so, सबका डिटेल्स मैंने डिस्कशन में दिया हुआ या तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर लो एंड आर टीम विल गाइड यू सो दैट्स ऑल प्रिपेयर वेल ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू